Sabah canım. Pitcher Munoz. सबको भी इधर का भी ले लेना और पीछे के सबका ही लेना। आगे वाले सीट पे कोई क्यों नहीं आ रहा, ये आगे वाले भी तो आओ, कोई इसको भी तो पुल करो सीट को, ठीक है ना। सर्विस चालू मनोज स्टार्ट हो। दोस्तों अपन आज स्टेनो के बारे में जानेंगे, स्टेनो क्या होती है। मेन चीज ये होती है कि स्टेनो अपन करते सभी है, स्टेनो कैसे करनी चाहिए, कहाँ करना चाहिए अपन को, कितनी स्पीड होना चाहिए अपने स्टेनो में, ये सब की जानकारी अपन आज लेंगे। दोस्तों सबसे पहले होता है कि स्टेनो कैसे करें, स्टेनोग्राफर में कौन से डिपार्टमेंट में कितनी स्पीड चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में किस फॉन्ट में टाइप किया जाता है, इन सबकी अपन को जानकारी पहले प्राप्त करनी है, उसके बाद में अपन को इस स्टेप पे आना है कि स्टेनो अपन को करना है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि स्टेनो करते रहते हैं, उनको यही पता नहीं होता अभी तक कि स्टेनो करते कैसे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कितने स्पीड मांगते हैं और प्री भी होता है नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को पता है कि SSC डायरेक्ट स्टेनो होता है, जबकि उसमें SSC में पहले प्री होगा, उसके बाद में आपको स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद में अपन लेके चलते हैं कि सबसे पहले मैं आपको जेन प्रणाली के बारे में बता देता हूँ, स्टेनो कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले कि स्टेनो महाभारत लिखते समय एक गणेश नाम से जो एक साइंटिस्ट पैदा हुए, उन्होंने एक लिपि तैयार करी जो कि जिसे बोलते हैं आडिटेटी। कुछ वर्ड ऐसे हैं ऐसे उन्होंने तैयार किया। उसके बाद में धीरे धीरे साइंटिस्ट बनते गए, एक से एक दूसरी प्रणाली आती गई, इस प्रकार से स्टेनो बनती गई। स्टेनो काम क्या आती है, स्टेनो का काम है कि आप कैसे भी लिखो, चाहे तो अमेरिका को ऐसे बना कैसे लिखो, US लिखो, किसी भी टाइप से लिखो, आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा। आपको स्पीड में लिखना है, स्पीड में लिखने के साथ साथ आपको उसको ट्रांसलेट करके देना होता है। एग्जाम में आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा आपने जो भी लिखा ना स्टेनो, वो कोई भी ये नहीं पूछेगा आपने क्या लिखा, आपने अमेरिका ऐसा लिखा या फिर ऐसा लिखा, कोई भी आपसे क्वेश्चंस नहीं करेगा, आपको सिंपल ऐसी डायरी मिलेगी। इसके मुश्किल से 4 से 5 पेज मिलेंगे, इसमें स्टेनो लिखना होगा अपन को। इसके बाद में अपन को कंप्यूटर पर ट्रांसलेट करके देंगे, उस ट्रांसलेशन को अमेरिका वर्ड लिखा मैंने, इस ट्रांसलेशन को चेक करेंगे, ये वर्ड आपके सही होना चाहिए। मेन तो ये है, आपकी कैपेसिटी ट्रांसलेशन करने की अच्छी होनी चाहिए। अब साहब स्टेनो लिख रहे हैं, क्या अपन टाइप भी कर सकते हैं किस गति से। दोस्तों आप मैक्सिमम 50 से 60 की स्पीड टाइप कर सकते हो, इससे ज्यादा आप टाइप नहीं कर सकते, हाईएस्ट स्पीड बता रहा हूं मैं, इसके अलावा आप टाइप नहीं कर सकते। स्टेनो में आप मैक्सिमम 300 तक की स्पीड लिख सकते हो, लेकिन जो एग्जाम में मांगी जाती है वो जनरली 70 की स्पीड, 80 की स्पीड, 110 और 120 की स्पीड ही मैक्सिमम मांगी जाती है। दोस्तों बहुत सारी प्रणालियां हैं, अब आप कहोगे कि साहब जैन प्रणाली क्यों चुने, ऋषि प्रणाली भी होती है, मानक भी होती है, पिटमैन भी होती है। तो साहब पिटमैन में क्या होता है, पिटमैन और ऋषि प्रणाली में जैसे ऋषि प्रणाली में लिखते हैं अपन कोई भी वर्ड, तो ये लिखेंगे कै, ये लिखेंगे डार्क, खै, ये लिखेंगे घ और ये लिखेंगे घ, इस टाइप से लिखा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को कह कहने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, जबकि जैन प्रणाली में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप इजी में सीख जाओगे जैन प्रणाली। मैं एक बार जैन प्रणाली के बारे में बता देता हूं, ये अपना कह हो गया, डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगी, इससे आप 90 डिग्री बोल सकते हो। इसके बाद में ख हुआ, डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगी, इसे आप 90 डिग्री में बोल सकते हो। ये अर्धचंद्राकार का बनेगा, इसकी डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे की ओर होगी, ग की डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे की ओर होगी, च की डायरेक्शन ऊपर गुंडी लगा के क्या की तरह 90 डिग्री पे, सेम इसी प्रकार से ये हो जाएगा 90 डिग्री पे ऊपर से नीचे की ओर, जे भी और जे भी, तय अपना 180 डिग्री पे
लेफ्ट टू राइट है में सिर्फ डॉट लग जाएगा, ये भी सेम लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, आगे डेर और डेर ये भी लेफ्ट टू राइट, इसमें ऊपर की तरफ कुंडी आ जाएगी, इसमें स्टार्टिंग में कुंडी आ जाएगी, इसमें एंड में कुंडी आती है। यू आपने देखा है होगा इंग्लिश में पढ़ा होगा, यू यू का यू को उल्टा लिख देंगे तो अण आ जाएगा, ते पे गुंडी नीचे की ओर, लास्ट में लेफ्ट टू राइट की ओर, तो ये हो जाएगा अपना तय। थे में स्टार्टिंग में गुंडी लगा देंगे नीचे की ओर लेफ्ट टू राइट, तो ये बन जाएगा अपना थे। इसके बाद में दे आ गया, दे लेफ्ट टू राइट की ओर अर्धचंद्राकार, दे में गुंडी लग जाएगी स्टार्टिंग में, फिर दे बन जाएगा ने यू का आकार का। पे दोस्तों 90 प्लस 45 135 डिग्री का कोण बनता है ना, तो ये 135 डिग्री के कोण पे बन जाएगा साहब, तो ये अपना पे बन जाएगा, इसमें फे में इसमें गुंडी लगा देंगे तो फे बन जाएगा, ये बे बन जाएगा सेम। ओ को किधर से भी लिख सकते हो आप, ये को 45 डिग्री के कोण पे, रे को रे की डायरेक्शन हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है, ले की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर, वे की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट अर्धचंद्राकार। दोस्तों से ऐसी चीज है, अपन जबकि स्टेनो में स्पीड तेज गति से लिखना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग किस प्रकार से लिखते हैं उसका मैं भी आपको बता देता हूं। उससे पहले से है ट्रे गे उस्व की और इस्ते। दोस्तों इसके बारे में बताने जा रहा हूं आपको, आप जब वर्षा वर्ड लिखते हो तो आपको पता है कि वर्षा वर्ड ऐसे थोड़ी लिखोगे, तो आपको ये तीनों से है ना इसको समझना है कि ये वाला से जब आप सेंटेंस लिखोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा अपन को वर्षा ऐसे लिखते हैं, इसलिए ये तीनों से इस टाइप से बताया जाता है। बहुत सारी जगह तुमको ऐसा किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, ये वाला से और शंकर वाला से, इसमें सिंगल डॉट लगा देंगे। दोस्तों अपन स्पीड में लिखने के लिए ये चीज सीख रहे हैं तो अपन को इसी वाले से ऐसे काम चलाना है। दोस्तों कई बार देखा है मैंने कि स्पीड भी आ जाती है आप लोगों की, स्पीड में लिखोगे भी सही, आप लिखने के साथ साथ आप ट्रांसलेट नहीं होता, और साथ ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा इसका भी कारण है, क्योंकि आपने स्टेनो तो बना ली लेकिन आपने ट्रांसलेट करना कभी सीखा ही नहीं, ट्रांसलेट कभी किया ही नहीं आपने, तो आपसे कहां से बनेगी। अब सबसे पहले लेके चलता हूं आपको कि स्टेनो की जो आउटलाइन होती है इनमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर एक ही टाइप के सब बने होते हैं तो उनमें समझ भी नहीं आता कैसे कैसे समझा जाए कैसा करा जाए। दोस्तों हमारा टारगेट है कि ये अपना स्वयं वर्ड है, इसको क्या बोलेंगे संविधान, ये होगा अपना संवैधानिक, ये अपना हो जाता मामला, ये हो जाता मामूली, ये हो जाता मालूम, ये हो जाता मामले। तो इस टाइप का दोस्तों एक नोट्स बना रहा हूं मैं जिसमें सिमिलर सब डाल रहा हूं मैं, जो कि है इसमें सारे जितने भी सर्कल के शब्द है ये सारे मैंने एक साथ दे दिए जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये नोट्स बहुत ही उपयोगी रहेंगे आगे आने वाले समय में आपके लिए, तो इस टाइप से मैं पढ़ाता हूँ जिससे आपको इजी वे में याद हो रहे कि मामला मामूली मालूम मामले इधर ये स्वयं संविधान संवैधानिक सारे शब्द एक साथ बता दिए मैंने। इसी टाइप से समाज शब्द आता अपना समाज वर्ड से लिखते हैं लाइन के ऊपर, ये अपना समाज शब्द हो गया था, समाजवादी समाजवाद तो सब तो यही था, समाजवादी समाजवाद के वे और दही तो जोड़ना था, ये सब चीजें अपन इस टाइप से सीखते हैं। तो नीला अब आप लोग क्या करते हो इनको बनाते तो रहते हो लेकिन आपने कभी इसको मिटा के कभी ट्रांसलेट नहीं किया कभी आपने, यदि आपने इसका ट्रांसलेट साथ का साथ करते गए इस स्टेप से चलते रहे स्टेप बाय स्टेप तो आपका कभी भी हिंदी ट्रांसलेशन में समस्या नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि
ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, आपने बस लिख लिया साहब, कल लिख लिया, चल लिख लिया, पीला लिख लिया, ये लिख तो लिया आपने, लेकिन कभी इसमें गौर नहीं किया कि ये शब्द क्या था, अगर ये हटा दिया तो अपने इसको क्या बोलेंगे। तो ये स्टैटिक से अपन गौर करते हुए चलना, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए ट्रांसलेशन में। और जब तक आपको आगे नहीं बढ़ना, जब तक एक पैराग्राफ ले रहे हो उसका ट्रांसलेशन सही से नहीं कर पा रहे, आप उसको दोबारा शॉर्ट हैंड में लिखो, फिर उसको दोबारा से ट्रांसलेशन करो, तब आगे बढ़ो। साथ ही साथ स्पीड कैसे बढ़ाए, स्पीड आपकी तभी बढ़ सकती है जब आपको बेसिक वर्ड आ रहे हैं वो बार बार उनको क्लियर है। साहब अपने शब्द आते हैं बहुत सारे, कोई भी सेंटेंस लेंगे, के लिए, होता है, जाती है, इसके बाद में लिखते बन रहा है, रही है, सकता है, चुका है, चुकी है, जो शब्द सेंटेंस से सेंटेंस में बार बार आ रहे हैं उनको आप क्लियर करो। सबसे पहले तो वो शब्द आपके क्लियर होना चाहिए, उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए आपको छूटे, तो आपकी कोई भी लैंग्वेज में कहीं दिक्कत, स्टेनो लिखने में दिक्कत नहीं आएगी और ट्रांसलेशन करने में समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपके ये शब्द परफेक्ट है। कोई भी सेंटेंस उठा के देख लेना, ये जो मैं शब्द बता रहा हूँ ये शब्द आपके हर सेंटेंस में मिल जाएगा, के लिए, के बाद, में, कर, को, का, उस, उसको, ऐसे शब्द होते हैं जो बेसिक शब्द बोलते हैं, जिसे वो शब्द आपके क्लियर होना चाहिए तभी आपके स्टेनो में स्पीड से लिख पाओगे, अन्यथा नहीं लिख पाओगे। दोस्तों आगे चलते हैं, अपन स्टेनोग्राफर का यूज कहाँ कहाँ होता है, मंत्रालय में, डाकघर में, हाई कोर्ट में, एसएससी में, इलाहाबाद कोर्ट, कोर्ट कोई सा भी, सभी कोर्ट में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती है। सिर्फ राजस्थान हाई कोर्ट ऐसा है जिसने अब तक कोई एग्जाम नहीं होता, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे स्टेनो लिखाई जाएगी, स्टेनो का एग्जाम होगा, स्टेनो एग्जाम के बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा साथ के साथ, फिर होगा एफिशिएंसी टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट होगा, बस यही आपका एग्जाम होगा जिसका स्टेनो टाइपिंग एफिशिएंसी टेस्ट सही हो गया, ये मान लो वो स्टेनोग्राफर बन गया। इधर से चलते हैं पर एसएससी, एसएससी में पहले आपका प्री होगा, प्री में पास होने के बाद में रैंक वाइज बुलाया जाएगा, मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आएगा उसका एक तो एसएससी में डी ग्रेड होता है, एक सी ग्रेड होता है, सी ग्रेड वालों के लिए 100 की स्पीड चाहिए और डी ग्रेड वालों के लिए 80 की स्पीड चाहिए। आपको सी ग्रेड में आपको बुलाया जाएगा, सी ग्रेड में अगर आप सिलेक्टेड नहीं होते तो इस बच्चे के लिए दोनों ऑप्शन खुल जाते हैं, वो दोबारा डी ग्रेड में बुलाया जाएगा, दो बार चांस मिलेंगे उस बच्चे को जिसके सी ग्रेड के अकॉर्डिंग मार्क्स आ रहे हैं। तो दोस्तों हाई कोर्ट में कुर्ति देव और देवलिस्ट का यूज होता है, आरएसएस भी का चल रहा है अभी, पहले इसको आरएसएस भी बोलते थे, इसको बोलते हैं आरएसएसबी, इसमें कुर्ति देव फॉन्ट में टाइप किया जाएगा। तो दोस्तों एसएससी में मंगल फॉन्ट का यूज होता है, तो दोस्तों मंगल फॉन्ट की अलग टाइप से टाइपिंग होती है, एक तो रेमिंगटन कैले में होती है, एक सीबीआई में होती है, रेमिंगटन कैल और सीबीआई दो में इसकी टाइपिंग टेस्ट होता है। तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो उस समय आपको मंगल फॉन्ट में तैयारी करनी है, यदि आरएसएमबी और हाई कोर्ट की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कुर्ति देव या देवलीस फॉन्ट की तैयारी करनी है। कुर्ति देव और देवलीस फॉन्ट दोनों सेम ही होते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन लेके चलते हैं मंत्रालय में, सचिवालय में, और इधर से रेलवे में, इन सब डिपार्टमेंट में इनकी वैकेंसी आती है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन सब विभाग में आप फॉर्म भर सकते हो, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में। दोस्तों जो मेरे हाथ में पेज है इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसको स्टेनो के बारे में जानकारी चाहिए कि किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए,
और कौन कौन सा फॉन्ट यूज होता है, कहाँ कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, ये चार पेज है, ये मैं लिंक डाल दूंगा पीडीएफ, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। योग्यता क्या होनी चाहिए था, योग्यता आपकी मिनिमम 12th पास होना जरूरी है। कुछ वैकेंसी में 12th पास मांगते हैं, कुछ में बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपकी, तो दोस्तों कुछ में 12th पास मिनिमम होना चाहिए, बीए भी मांगते हैं, साथ में आपको स्टेनो होनी चाहिए। आप यदि हिंदी स्टेनो सीख रहे हो तो हिंदी स्टेनो, और इंग्लिश स्टेनो सीख रहे हो तो इंग्लिश स्टेनो, और साफ स्टेनो कौन सी लैंग्वेज में करना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में करना चाहिए। यदि जिस बंदे को हिंदी हिंदी अच्छी आती हो उसको हिंदी में करना चाहिए, जिसको इंग्लिश अच्छी आती है उसको इंग्लिश में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, वोकेबुलरी लिखते समय जब स्टेनो पर लिख लेंगे, ये वाला वर्ड बना दिया मैंने संविधान, अब साहब संविधान लिख रहा हूं मैं, ये लिखा मैंने संविधान, अब मैं बना रहा हूं संविधान ऐसे, अब साहब ये गलत हो गया, क्यों हो गया गलत, क्योंकि मेरी लैंग्वेज सही नहीं है, इसलिए। इसी प्रकार से कोई भी शब्द ले लिया, साहब मैं एग्जाम वर्ड लिख रहा हूँ, स्टेनो में लिखा मैंने इंग्लिश में एग्जाम वर्ड, उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं, ऐसे लिख रहा हूँ मान लो, ये तो गलत हो गया ना अपना, जबकि एग्जाम ऐसे आएगा। तो एग्जाम वर्ड जिस लैंग्वेज में आप कर रहे हो उसकी वोकैबुलरी प्लस लिखने में आपको सही आना चाहिए, ठीक है ना, तो तभी आपको उस लैंग्वेज में आपको स्टेनो सीखनी चाहिए। इसके बाद में अपन चलते हैं, आखिर अपन स्पीड कैसे बढ़ाएं और किस टाइप से स्टेनो करना चाहिए, कहां करना चाहिए, उन सब चीजों पर अपन चर्चा कर लेते। पहले स्टेनो कम से कम आपको स्टेनो करते समय 2 से 3 घंटे पर डे पढ़ना चाहिए, ये क्लास होना चाहिए पर डे, कम से कम 1 घंटा कम से कम आप डेली घर पर दें, तभी आप स्टेनो यहाँ पर पढ़ सकते हो सफल, अन्यथा नहीं बन सकते, ये फैक्ट है, इसमें कोई चेंज करने वाला नहीं है, ठीक है। स्पीड बढ़ाने का मैंने बता ही दिया कि बार बार जो शब्द आते हैं उनको आप अच्छी तरह डोज करो, अधिक से अधिक शब्द की आउटलाइन बनाओ, और बहुत सारी प्रणाली है, कोई सी प्रणाली से करो, लेकिन सबसे इजी मेरे हिसाब से यही जेम प्रणाली ही इजी प्रणाली है सबसे। कई बार क्या होता है स्टेनो सीखते सीखते स्पीड कम हो जाती है अपनी, और अपन वहीं पे आके सोचते हैं कि ठीक है सर हमसे नहीं हो रही स्टेनो, तो उस कंडीशन में क्या करना है सर, उस कंडीशन में आपको पहला तो कि आपको जो वर्ड नहीं आ रहा उसको आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, प्रैक्टिस करोगे ना आप तभी आपकी वो सेंटेंस अच्छा बनेगा। साहब आपने नोट्स की फोटोकॉपी करवा ली, नोट्स की फोटोकॉपी तो करवा ली आपने, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी कोई वर्ड की, तो आप नहीं लिख पाओगे स्पीड से कम एक वर्ड की 50 से 100 बार प्रैक्टिस करना चाहिए, एक वर्ड की कम से कम 50 से 100 बार प्रैक्टिस करना चाहिए, और स्पीड में लिखते समय जो वर्ड आपका छूट रहा है उस वर्ड को कम से कम 20 से 30 बार लिखो, जो वर्ड आपसे छूट रहा है उसको 20 से 30 बार लिखो, जिससे वो वर्ड आगे छूटे नहीं। हर वर्ड की कोशिश करो कि आउटलाइन बनाने की कोशिश करो, बार बार जब भी आप स्टेनो लिखते हो उसका ट्रांसलेशन जरूर करो, ट्रांसलेशन नहीं कर रहे लिख रहे हो आप, लिख रहे हो लिखते लिखते आपके आगे सब 100 की स्पीड आ गई, 100 की स्पीड आने के बाद में आपको लिखवाया किसी ने एग्जाम में जाके और आप वहां पे लिख तो लिया आपने सारा, ट्रांसलेशन ही नहीं हो रहा। 90% बच्चे आराम से 100 की स्पीड लिखते हैं, 100 की स्पीड तो लिख रहे हैं लेकिन उनसे ट्रांसलेशन नहीं हो रहा। ट्रांसलेशन क्यों नहीं हो रहा,
उन्होंने स्पीड में लिखने का ध्यान दिया, बार बार स्पीड से लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, लेकिन उन्होंने कभी ट्रांसलेशन पर ध्यान दिया। ट्रांसलेशन किया उन्होंने कभी, तो क्या किया, सब 10 जने बैठे एक ग्रुप में, ठीक है बोल दिया, ठीक है ये बोल दिया उन्होंने, कहां जहां जहां अटका वहां वहां उसने दूसरे ने बता दिया, और अच्छे ट्रांसलेशन कर लिया, सब हो गया मेरा। फिर बोलेंगे आप नहीं साहब, हमारे 200 की स्पीड थी लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। यही रीजन है कि आपकी स्पीड नहीं होने का रीजन यही है। स्पीड तो थी लेकिन ट्रांसलेशन नहीं हुआ, उसका रीजन यही है, क्योंकि आपने लिखते गए लिख लिया कि हम तो 100 से ऊपर पहुंच गए, लेकिन इधर 70 की या 80 की स्पीड मांगी थी, वहां पे आपने कभी ट्रांसलेशन ढंग से किया ही। इसलिए ट्रांसलेशन जब भी करना है आपको, अगर 50 वर्ड लिख लो 50 वर्ड को कॉपी में ट्रांसलेशन करना सीखो, या फिर साथ के साथ कंप्यूटर पर लिखना सीखो। दोस्तों मैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यही कहता हूँ, और मैं 10 एक पेज में 10 ही स्टूडेंट रखता हूँ। क्यों रखता हूँ, उसका रीजन ये कि मैं प्रॉपर सब पे ध्यान दे सकूँ, कौन कैसे स्टेनो बना रहा है, स्टेनो गलत तो नहीं बना रहा, फिर उनके साथ के साथ ट्रांसलेशन चेक करता हूँ कि ट्रांसलेशन सही किया नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन में उनके 200 वर्ड लिखे, 200 में साहब उनके 50 गलत है, तो वो बोलेगा क्या साहब मेरे साथ 10 ही गलती आई है, होशियार बनने के चक्कर में 10 गलती बता दी, लेकिन वो अपने आप को कमजोर बना रहा है वो। आपको यदि 200 में से अगर 100 गलत है तो 100 वर्ड ही गलत बताना है। यदि आप ऐसा करते हो तो नेक्स्ट टाइम आपके जोश और जुनून के साथ में नेक्स्ट टाइम कम करने की कोशिश करोगे, आप होशियार चलती दिखाओगे, तो यहाँ पे सक्सेस कभी नहीं हो सकते, आप होशियार चलती ही बन के रह जाओगे। तो आपको कभी ऐसा नहीं करना, आपके यदि जितनी गलतियां भी होने दो उतनी बार आपको लिखना है। और ये जो 4 पेज है ये मैं डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप पे आप मांग सकते हो जिसको जरूरत है, किस टाइप से आपको स्टेनो सीखना चाहिए, किस टाइप से करना चाहिए। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ये बुक हो गई मेरे साथ, ये मैंने लिखा हुआ है उसको मैंने लिख लिया था, उसको मैंने ट्रांसलेशन भी कर लिया, जब लेकिन ऑडियो बोला जाए, जब कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे बोल रहा है उसको लिखते समय उससे यहाँ पे लिख लिया उसने, ये एक लाइन छूट गई साहब, ये लाइन छूट गई यहाँ पे लिख लिया साहब, क्या हुआ वहां पे ऑडियो भी बोला जा सकता है, फेस टू फेस CRPF CISF इन दोनों के एग्जामों में मैंने देखा है कि वहां पे खुद खड़े होकर बोलते हैं, SSC में, हाई कोर्ट में, काफी सारे एग्जामों में ऑडियो बोला जाता है। तो आपको सामने देख देख के नहीं करना, जो ऑडियो बोला जाता है उसको आपको सुनकर ही लिखना, अधिकतर मैक्सिमम कोई भी दूसरा बोले उसको लिखो, या फिर कोई ऑडियो उसको लिखो। आपको बुक में देख देख के लिखते हो उससे आपकी लिखने की क्षमता कमजोर होगी, क्योंकि आपके सामने बैठ रहे उसको आराम से लिख रहे हो, आपकी स्पीड भी नहीं है, आराम से स्लो में लिख रहे हो और पूरे लिख रहे हो, उसका ट्रांसलेशन भी कर रहे हो। ऐसा नहीं करना दोस्तों, मेरा सिद्धांत है कि शुरू से आपका जब 10-15 दिन हो जाते हैं तब से मैं आपको बोल बोल के लिखना चालू करा देता हूँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए ट्रांसलेशन में भी और आपको लिखने में भी। और आपको जब भी संपादकीय लिखते हैं, बहुत सारे लोग, ये अपना संपादकीय है, संपादकीय अखबार है साहब, हमने संपादकीय लिख लिया साहब पूरा, बहुत अच्छा लिखा हमने संपादकीय, ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद में हमारे यहाँ हो गए फेल हो गए। अब पास कैसे हो साहब, यहाँ फेल ही हो गए, हमारी स्पीड 100 की थी फिर भी फेल क्यों गए, इसलिए फेल हो गए आप। आपने मैटर लिखा संपादकीय, उसमें सेम मैटर आएगा, यदि कश्मीर का मुद्दा चल रहा है ना तो पूरे संपादकीय में कश्मीर का मुद्दा आएगा। बुक में कोई चैप्टर ले रहे हो तो जैसे गौतम बुद्ध की कहानी आ गई तो सारी उसमें गौतम बुद्ध की कहानी लिखी हुई आएगी, तो आपको पता है कि उसमें सारा फुल हुआ गौतम बुद्ध के बारे में सारी जानकारी है, कश्मीर के बारे में खूब पढ़े हो आप, आपको अच्छी तरह जानकारी है, महात्मा गांधी के बारे में खूब जानकारी है। तो दोस्तों वहां पे एग्जामिनर को पता है कि आप कोई ऐसा आराम से अचीवमेंट करोगे, तो आपको कैसा करना है, यहाँ पे इन सबकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे सब मैटर है अपने पास में, चार पार्ट में 4 पैराग्राफ दे देगा अपने को, पैराग्राफ दे देगा अपने, क्या दे देगा अपने को, फर्स्ट पैराग्राफ में देगा राजनीति दे देगा साहब फर्स्ट पैराग्राफ में, दूसरे में दे देगा साहब बुद्धि के बारे में दे देगा, यहाँ लिख देगा कश्मीर के बारे में दे देगा कुछ,
यहां पे लिख देगा बाल विवाह, बाल विवाह विवाह वगैरह, या फिर दे देगा वो कुरीतियां, कुरीतियां कुछ भी, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब वो चार्टों भी दे दिया अपने। यहाँ पे दे दिया आपको राजनीति, यहाँ पे दे दिया बुद्ध, यहाँ पे कश्मीर मुद्दा दे दिया, यहाँ अर्थव्यवस्था दे दी आपको, अर्थव्यवस्था दे दिया आपको यहाँ पे। अब अर्थव्यवस्था दे दी ना यहाँ पे, अब आपने ये वाला मैटर बहुत अच्छे से लिखा होगा और बहुत अच्छे से आपने ट्रांसलेट किया इसका, इसका थोड़ा कम किया होगा आपने, यहाँ पर 90% ही हुआ होगा, यहाँ पे आपसे 70% रह जाएगा, यहाँ पे 50% क्या 40% रह जाएगा। क्यों हुआ साहब? आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की थी, कश्मीर का मैटर आ गया साहब, कश्मीर का मैटर आ गया तो कश्मीर का पूरा संपादक क्या था, कश्मीर के बारे में अच्छी तरह जानकारी थी, इसलिए आपने ये कर लिया, जबकि यहाँ एग्जाम में आप फेल हो गए साहब, पास नहीं हुए। अगर ये मैटर आ जाता तो आप पास हो जाते साहब, आपका सिलेक्शन हो जाता। इसलिए अपना मेरा जो टारगेट है, ये टारगेट रहता है कि आपको वीक में एक दिन टेस्ट रखता हूँ, उस टेस्ट में क्या करता हूँ, आपको चारों टॉपिक उठाऊंगा, कम से कम 3 या 4 टॉपिक उठा के आपको पूरा मैटर लिखाऊंगा, फिर उसका ट्रांसलेशन कंप्यूटर पर आऊंगा डायरेक्ट। कंप्यूटर पर ट्रांसलेशन करने से आपकी ट्रांसलेशन कैपेसिटी बढ़ेगी, आपको वो जो बोल बोल के आप ट्रांसलेशन कर देते हो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, आपको खुद को या तो बुक में करना है या कंप्यूटर पर ट्रांसलेशन करना है, जिससे आपकी जो लिखने की क्षमता बढ़ेगी, ट्रांसलेशन की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, चयन प्रक्रिया मैंने बताई थी, SSC में आपका पहले एग्जाम होगा, उसके बाद में स्टेनो टेस्ट होगा, और अपना एकमात्र हाई कोर्ट है जिसमें डायरेक्ट स्टेनोग्राफर की एग्जाम होती है डायरेक्ट। मेरा टारगेट है, पहला टारगेट है हाई कोर्ट, दूसरा टारगेट है RSM SSB, तीसरा टारगेट है SSC, ये हाई कोर्ट हो गया अपना, रेलवे, इन सबका मेरा टारगेट है मेन पहला। ऐसे DRDO में वैकेंसी आई हुई है, मंत्रालय विभाग में भी आई हुई है, काफी सारे विभागों में वैकेंसी आई हुई है, टारगेट सभी का है, लेकिन जो बच्चा है इनका टारगेट अचीव कर लेगा ना, वो सभी टारगेट अचीव कर सकता है, क्योंकि इसमें 70 की स्पीड मांगते हैं, इसमें 100 की मांगते हैं, इसमें 80 और 100 मांगते हैं, और रेलवे में भी 80 की स्पीड मांगी है, तो इन सबका आपको टारगेट लेके चलना है, ज्यादा से ज्यादा आप उनको कोशिश करना है कि स्टेनो लिखने के बाद में उसका ट्रांसलेशन जरूर करें। अब साहब स्टेनो लिखते हैं, बहुत लिखते हैं, आप भी लिखवाते हो, अब आप क्या करो, न्यूज चैनल, यदि आप न्यूज चैनल लिखने लगे ना तो मैं कहता हूं कोई नहीं रोक सकता आपकी न्यूज चैनल में, आपसे अगर 5 लाइन लिखी जा रही ना पूरे न्यूज में आधे घंटे में, तो वही लिखो, कोई बात नहीं, जो सब समझ में आ रहा वही लिखो, लेकिन न्यूज चैनल को पकड़ने की कोशिश करो। यदि आप न्यूज चैनल को पकड़ने की कोशिश कर लिया आपने, तो आपको कभी कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, कितना ही आप वो कर लो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये कहते ना कि बहुत सारे लोग आपस में बुराई करते रहते हैं, जैन प्रणाली वाले ऋषि की बुराई कर देंगे, ऋषि प्रणाली वाले जैन की बुराई कर देंगे, ऋषि वाले पिटमैन की कर देंगे, पिटमैन वाले ऋषि की कर देंगे। भाई किसी की बुराई नहीं करनी, आपके मन में आए वो आउटलाइन लिखनी है, और आपको जो अच्छा लगे, आपको यदि ये वाली प्रणाली अच्छी लगती है, साहब ये लाइट लिखो ये डार्क लिखो, ये लाइट लिखो ये डार्क लिखो, ये लिखो, और आपको अगर सिंपल सीखना है ये कह ये कह ये गह ये गह, तो ये जैन प्रणाली सीख लो। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सी प्रणाली सीखनी है और कैसा करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको आउटलाइन अपने मन से आना चाहिए, जो भी आउटलाइन बनानी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं साहब नरेंद्र मोदी ऐसे लिखे, कुछ बोलते हैं ऐसे लिखे, कुछ बोलते हैं नरेंद्र मोदी ऐसे लिखे। अब साहब ये लिखोगे तब भी आप नरेंद्र मोदी लिखोगे, आप ट्रांसलेशन में ये लिखोगे तब भी ये लिखोगे, और ये लिखोगे तब भी ये लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ऐसा बनाना है। स्वेच्छा से आपको आउटलाइन बनाने की धीरे धीरे वो कैपेसिटी डेवलप करूंगा मैं, कि आपको आउटलाइन खुद मन से बनाने चालू कर दो, नरेंद्र मोदी आ जाए तो आप ऐसा लिखो ऐसा लिखो ऐसा लिखो, तीनों ही सही है। जैन प्रणाली वालों में भी आप अक्सर कहीं पर भी जाओगे ना, अलग अलग प्रणाली जिनके पास जाओगे, कुछ लोग इसको गलत बता देंगे, कुछ लोग इसको गलत बता देंगे, कुछ लोग इसको गलत बता देंगे, फिर साहब सबको गलत बता दिया, फिर राय क्या, कैसे लिखे। तो आप कहीं पर भी पढ़ो, आपको जो वर्ड बताया जा रहा है
वो वर्ड सही होना चाहिए, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ये भी मैं आपको नरेंद्र मोदी ऐसे लिखने बता रहा हूँ, आपको ऐसा लिखना आ रहा है और ऐसा ही याद आ रहा है आपको, वैसे लिख दो, दोनों ही पसंद नहीं है तो ऐसा लिख दो साथ। आपको मन में जो बाय है वैसे वर्ड याद करना है, तभी आप सफल लिखने वाला बन सकते हो। आपको मैं बोल दूं, आपको नरेंद्र मोदी ऐसे लिखना है, आपको ये याद ही नहीं हो रहा तो क्या मतलब है फिर। इसी टाइप से मान लो अखिलेश यादव एके अरविंद केजरीवाल, साहब ये तो गया अखिलेश यादव, ये हो गया अरविंद केजरीवाल, दोनों ही सेम हो गए साहब। आप तो बोल रहे सर आपको जो मन में बाय वो लिख लो, इसलिए आपकी कोई भी फैकल्टी हो या मेरे यहाँ पे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, उससे एक बार डिस्कस जरूर करें सर कि मैं जो ये अखिलेश यादव बनाने जा रहा हूँ क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये अखिलेश यादव हो गया या अरविंद केजरीवाल हो गया, दोनों ही सेम हो गए सर, इनमें अलग अलग किसे करूँ मैं, ये तो बताओ मुझे साहब अलग अलग किसे करेंगे। अब आप ये कन्फ्यूजिंग हो गया, तो देखो मेरे को तो पता है इसलिए मैं तो बता दूंगा, लेकिन एक बार डिस्कस जरूर करें अपने फैकल्टी से, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजिंग बढ़ जाएगी आपकी बहुत ज़्यादा। अब आप साहब अखिलेश यादव कैसे कर सकते हो, ए लिख के यादव लिख दो, या फिर ए लिख के यहाँ से यादव से काट दो, बहुत सारे तरीके हैं ना। अरविंद केजरीवाल को सिंपल ऐसे लिख दो, या फिर ए के वाल कर दो, ए के वाल बना लो, ए के वाल बना लो, ऐसे कितने तरीके होते हैं जो आप बना सकते हो अपने स्वेच्छा से। लेकिन जो अपनी स्वेच्छा से बनाओगे ना वो आपको परफेक्ट याद रहेगा, लेकिन स्वेच्छा से बनाने के बाद में एक बार डिस्कस जरूर करें, क्योंकि सेम वर्ड बहुत सारे बन जाते हैं, इसलिए अपन को जरूर है। अब साहब कुछ लोग इसे पढ़ते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जबकि अपन राष्ट्रपति इसको पढ़ रहे हो तो राष्ट्रपिता, ये राष्ट्रपिता को भी यही ऐसे लिखते हैं, उन लोगों की कंफ्यूजन तो बढ़ गया ना, तो ये भी राष्ट्रपति भी हो, राष्ट्रपिता भी हो गया, राष्ट्रपति भी हो गया। और राजनीति, राजनीति अच्छा ये राजनीतिक हो गया, ये सब मिलते जुलते वर्ड हो गए। अब इनके सब आप डिस्कशन करोगे ना तो आपका सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा और लिखने में मजा भी आएगा। जबकि राष्ट्रपिता, क्योंकि आपने राष्ट्रपति ऐसे बना तो लिया आपने, लेकिन राष्ट्रपिता ने आपकी मन से ऐसे बना लिया आपने, क्यों मैंने बताया शुरू के दिन ये बताया, 10 दिन बाद में ये लिखा आपने, तो आपने ऐसा बना दिया, अब कन्फ्यूजिंग बढ़ गया। जिस दिन आपका राष्ट्रपति बढ़ भी आ गया, राष्ट्रपति भी आ गया, कन्फ्यूजिंग बढ़ गया था, क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपने डिस्कशन नहीं किया। तो दोस्तों रे को कैसे काट देंगे तो राजनीति बन जाएगा, राष्ट्रपति रे को पैसे काट दो भाई, इसमें भी नहीं था, इसको कैसे काटा तो राजनीतिक हो गया, इसको पैसे काटा तो राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपिता। रे को पै और तैसे काट दो साहब, रे को पै और तैसे काट दो, ये आपका राष्ट्रपिता हो जाएगा। इसलिए आपको डिस्कशन जरूर करना है, जिससे आपको ज्यादा ज्यादा समझ में आए और ज्यादा ज्यादा आपके अच्छा कर पाओ और समझ सको। और दूसरा, यदि आप एक एग्जाम में फेल हो जाते हो तो उसमें क्या करते हो आप लोग, साहब मेरा तो वो गए नहीं, 100 की स्पीड लिख ली थी उसके बाद में आपने ट्रांसलेशन नहीं हुआ, लेकिन वो गलती आपकी थी, क्यों आपने ट्रांसलेशन करने की कैपेसिटी बढ़ाई नहीं, हमेशा बार बार लिखते गए मैं एक ही वर्ड बार बार दोहरा रहा हूँ। आपको जब भी करना है कम स्टूडेंट के साथ पढ़ना है, अपने यहाँ पे भी 10 स्टूडेंट का अलग बेच होता है, 10-10 का ग्रुप चलाता हूँ मैं हमेशा, 10 में 1 ग्रुप होगा 10 में 1 होगा, उन ग्रुप में सारा डिस्कस होना चाहिए, आपस में डिस्कस करें, डेली आउटलाइन पर डिस्कस करेंगे अपन, यहाँ पे अपन डेली 10-10 का ग्रुप रहेगा, डेली आपका आउटलाइन का डिस्कशन करेंगे, डेली डिटेक्शन लिखेंगे, डिटेक्शन का डेली अपन ट्रांसलेशन करेंगे, तभी अपन सफल हो सकते हैं। 8 दिन में 8 दिन आपका एग्जाम लेगा, एग्जाम होगा आपका डेली 8 दिन का 8 दिन सप्ताह में, ठीक है। और अपना एक मेन प्रोग्राम रहेगा, ये रहेगा आपकी जब भी एग्जाम आएगी एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, एग्जाम के
एक मंथ पहले ये अपने टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, उस टेस्ट सीरीज में आपको एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट दिया जाएगा और आपका टेस्ट वाइज रैंक वाइज जो टेस्ट का जो रैंक वाइज रिजल्ट निकालेंगे उसका डेली अखबार आउट भी किया जाएगा। उसमें कोई भी प्रणाली का हो, किसी का हो, जैन का हो, मानक का हो, कोई सी प्रणाली का बंदा आपके पास ले सकता है, लेकिन वो हाई कोर्ट की एग्जाम के एक महीने पहले ही चालू करेंगे अपन वो चीज, जिससे आप लोगों का इम्प्रूवमेंट भी होगा। कभी कभी क्या होता है, साहब सर के पास में तीन स्टूडेंट है, बड़े ध्यान से पढ़े जा रहे हैं, लेकिन जब अपन एग्जाम में बैठते हैं ना वहां पे अपने दिमाग पे प्रेशर होता है, उस प्रेशर को दूर करने के लिए ये वाली चीज मैंने अपनाई है, जो कि मैंने एलडीसी में अपनाई है। अब दोस्तों मैंने जो अभी पढ़ाया नया बैच चल रहा है उसको 10-15 दिन हुए हैं, तो उसमें जो लिख रहे हैं ना, तो उन सब बंदों में से एक बंदे को मैं आपको परिचय करा देता हूँ, जिससे आपको भी हो जाएगा कि सर पढ़ाते हैं जो बिल्कुल। मेरा टारगेट होता है कि पर डे 2-3 घंटे क्लास होती है और जितना हो सके उतना उम्र में क्लास में करा लेता हूँ, जिससे आप घर पे अगर 30 मिनट भी घर पे देते हो जिसमें भी आपका काम चल जाएगा। क्यों? तो आपने सारा होमवर्क यही कर लिया, सारी पढ़ाई यही कर ली, आपके होमवर्क करते समय कोई गलती हो रही है वो भी आप यही कर लिया, तो आपको दिक्कत ही नहीं है कहीं पे। आपको घर जाके बस 10-15-20 मिनट देख लो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, स्टेनो में 100%। 3 महीने बाद में आप 3 माह बाद आप 70+ स्पीड की मैं गारंटी देता हूँ, आपको 70+ की स्पीड आप लिखने लग जाओगे अपने आप, और भी जल्दी लिखने लग जाओगे, लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम लेके चल रहा हूँ दोस्तों। 14-16 दिन के अंदर इस दोस्त ने इतने इम्प्रूवमेंट किया कि इसने सेंटेंस लिख रहा है ये बोल बोल के आराम से 10-20 की स्पीड लिख रहा है एक तरह से। दोस्तों मेरा टारगेट ये रहता कि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइन लिखना सिखाना, मैं सिर्फ एक दिन में आपको क्या करके सिखा दूंगा। साहब बोलोगे साहब आप जबरदस्ती कर रहे हो हमारे साथ में, जबरदस्ती नहीं करूँगा, आपको सिखा दूंगा कैसे लेके पूरा ज्ञानी तक का। आप सीख जाओ ना तो आप मुझे मानना, अदरवाइज नहीं मानना। क्यों सीख जाओगे आप वो मुझे बता कैसे सिखाना आपको। दोस्तों 2 दिन में आपको मात्रा वाले शब्द, 4 दिन के अंदर आपको मैक्सिमम 4-6 दिन में मात्रा वाले सेंटेंस लिखना सिखा दूंगा मैं आपको, और यही होता प्रक्रिया, न कि आपको 3 महीने तक मैं बैठा रहूं और आपको बोलूं कि आपकी नौकरी 2 साल में लगेगी साहब स्टेनो सीखते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं। जिसकी ट्रांसलेशन की कैपेसिटी सही है, स्टेनो सही लिखता है, तो वो आदमी आराम से 4-6 महीने के बाद भी आराम से कोर्ट की नौकरी, एसएससी वाली नौकरी भी लग सकता है। तो सीखो किसी प्रणाली से लेको, लेकिन कम से कम बच्चों में सीखना चाहिए, टेस्ट भी होना चाहिए आपका वीकली, जिससे अपना कितने पानी में कितने बाहर है उसका पता चल सके। और मैं आपसे इस बंदे से मिला देता हूँ, आप ही लोग ये बंदा आपको आपके सामने स्टेनो लिखेगा अखबार से, जो कि दोस्तों अखबार से लिखवा रहा हूँ मैं, कि अखबार से लिखवा रहा हूँ, ये कोई सीन पैसेज नहीं है, अनसीन पैसेज लिखे गए हैं। इसको हो गया 14-16 दिन हो गए करीब, ये आपके सामने रिजल्ट दिखाया जाता है, मैं बोल रहा हूं ये दिखेगा सामने। 1 साल बाद लिखो, सऊदी अरब के पत्रकार खशोगी की हत्या का राज खुल गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसको ये ट्रांसलेट करेगा, ये आप खुद देख लो, ट्रांसलेट करो इसको। 1 साल बाद 1 मिनट ये लगा लो, 1 साल बाद सऊदी अरब के
ये पत्रकार खाशुगी की हत्या राजकुल गया है। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि 15 दिन में इस भाई ने कितना कुछ किया है। सिर्फ और सिर्फ इसने एक छोटी सी गलती कर दी थी, ये छोटी मोटी गलती हो जाती है। इसने साल को ऐसे बना दिया था, तो ये तो क्या ऐसी चीज होती है कि बोर्ड पे आने के बाद में बहुत बच्चों की जाती है। लेकिन यह वाला जो प्रेशर हुआ था, ऐसी गलतियां वहां पे आपको एग्जाम में अक्सर होती है। एग्जाम में आपको ऐसी गलती नहीं करनी, इसलिए आपको ग्रुप में बैठ के अपने टेस्ट सीरीज चलाएंगे। उसमें टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी ना, उसमें अपन ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, मेन पॉइंट ये है। तो दोस्तों धन्यवाद आप सबको, और यहीं पे अपन इसको एंड करते हैं। जिसको भी इन सब इन चारों पेजों का लिंक चाहिए या ये चाहिए, ये आपको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर अपने जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ये आप यहाँ से आप और पढ़ सकते हो। और भी बहुत सारी जानकारियां इन चारों पेजों में जो कि मैंने दे रखी है। स्टेनो किस टाइप से करना चाहिए, किस टाइप से पेंसिल रखनी चाहिए और किस टाइप से उनको इसको करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, एक चीज और याद आ रही है मेरे को कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साहब मैं तो रफ कॉपी ले ली, रफ कॉपी बना ली, ये मैंने ले ली, इसमें लिखे जा रहे हैं। आपको ये मिलेगी नहीं वहां पे, चार आठ से दस पेज की ऐसी डायरी मिलेगी। उस डायरी को भी दो पार्ट करना है, उस डायरी को दो पार्ट करना है। अभी से शुरू से आपको एक ही पेंसिल से, जो कि ऐसी पेंसिल आती है स्टेनो की, एक ही पेंसिल से लिखोगे ना आपकी स्पीड भी अच्छी रहेगी, नहीं रिटर्न भी सही रहेगी। और डायरी में प्रैक्टिस करें, नहीं कि कॉपियों में ऐसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ सात से आठ दस पेज की कॉपी मिलेगी ऐसी छोटी सी पतली सी, जिसमें भी लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक, क्योंकि वहां पे अपन लिखते हैं मोटी कॉपी में, ऐसी मोटी वाली कॉपी में आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, ऐसी कॉपी में, ऐसे मोटी कॉपी में कभी कभी इसके पेज फाड़ के पतली कॉपी में लिखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको एग्जाम का फीलिंग होगा। और जो टेस्ट सीरीज में होगा, जो बिल्कुल जो बच्चा एसएससी के लिए आएगा उसको एसएससी के पैटर्न पे ही टेस्ट सीरीज लूंगा मैं, और जो बच्चा कोर्ट का आएगा उसके कोर्ट के पैटर्न पे लेंगे, और जो रेलवे वाले आएगा उसका रेलवे वाले पैटर्न पे अपन टेस्ट सीरीज लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पेंसिल एक ही रखें, बेसिक वाले सब को ज्यादा से ज्यादा रटें, जो कि सब सेंटेंस में बार बार आते हैं। और एक नोट्स बनाए, जितने भी आउटलाइन होते ना, मामला, मामूली, संविधान, स्वयं स्वरूप, जो भी आता है सबकी आप आउटलाइन की एक कॉपी बनाए अलग से, जिसको आपको एग्जाम के दो दिन पहले सिर्फ वो देखना है। ये नहीं ये फोटो कॉपी करा लिया और आपने स्टैटिक में फोटो कॉपी करा लिया पूरी की, और बाद में बोलो बोला साहब हम तो मर गए स्टेनोग्राफर, देखो मैंने सर की पूरे नोट्स लिया, मजा आया। ऐसा नहीं करना, उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा। सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम के जाने के दो दिन पहले और एग्जाम के दो